का सा एक साया है, तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर। मैं आज एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है डार्क गैदरिंग। मैं आज इसका पहला एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो की शुरुआत में हमें बुद्धा के स्टैचू को दिखाया जाता है। साल भर कुछ साल के बाद वहाँ पर लोग रहने लगते हैं और उस जगह को चेंज करने लगते हैं। वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर आना डेंजरियस है। वहाँ पर कोई बंदा एक मूर्ति को तोड़ देता है। वो मूर्ति जहाँ पर था वहीं पर एक डॉल को टांग देती है। डॉल बहुत जोर से हिलने लगता है। हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो बोलता है कि तो तुम यहाँ पर छुप कर रह रहे थे। उसका आँख पूरा लाल होता है और बोलती है कि मैंने तुमको ढूंढ लिया। हमें रियो यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एंट्रेंस सेरेमनी चल रहा होता है। प्रिंसिपल स्टेज में आकर बोलते हैं कि हम जो फ्रेशर्स हैं उनको बुलाना चाहते हैं और उनका नाम है कितिरोगेन तोगे। पर तीन लड़के बात कर रहे होते हैं कि ये जो बंदा है ये हमारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम में हाई स्कोर रखा है। का दोस्त बोलती है कि क्या सच में गेंतो के स्पीच देता है, पर हमें वो सीन नहीं दिखाया जाता है। बाहर आकर गेंतो की दोस्त उसके साथ फोटो खींचने लगती है, लेकिन उसकी फोटो में बबंडर जैसा कुछ हो जाता है जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। गेंतोगे बोलता है कि मुझे पता है यहाँ पर एक घोस्ट है, इस वजह से हम दोनों की फोटो अच्छी नहीं आ रहा है। सुनने के बाद गेंतोगो की दोस्त डरने लगती है। गेंतोगो की दोस्त बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें फोर्स किया है फोटो खींचने के लिए। गेंतोगो की बचपन की दोस्त होती है, इसका नाम इको होजुकी है, हमें इसको इको बुलाएंगे। तो की बोलता है कि नहीं टेंशन मत लो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, ये सब मेरी ही गलती है। ये फोटो तभी लिया जबकि वो मेरे पास 100% थी। जो स्पिरिट होते हैं वो मेरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा था तभी से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। एक दोस्त इसमें इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद से लगभग 2 साल के बाद मैं दूसरे लोगों को टच भी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरी टच उनको चोट लग जाता था, जिस वजह से मैंने खुद को ही मेरी रूम में बंद कर लिया। मेरी फैमिली और मेरी बचपन की दोस्त थे और मेरे चारों तरफ जो लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इस वजह से मैंने फिर से इंसानों को अच्छे नज़र से देखना शुरू कर दिया। समय में मैं यहाँ पर ग्रेजुएट हो गया। लड़की बोलती है वाई द वे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब के लिए? गेंतोगी बोलता है कि तुमने जो प्लेस बताया था मैं वहाँ पर ही जाने वाला हूँ। एक्चुअली मेरी जो कजन है उनको एक प्राइवेट ट्यूटर की जरूरत है, वो एक छोटी बच्ची है, क्या तुम उसे पढ़ाओगे? कि बोलता है कि तुम्हारी जो भांजे का पढ़ाई मुझसे ही करवाना क्यों चाहते हो? लड़की बोलती है कि क्योंकि तुम इस यूनिवर्सिटी का टॉपर हो, तुम उसे पढ़ाओगे तो वो इस सोसाइटी में अच्छा नाम करेगी। एक्चुअली वो जिस स्कूल में पढ़ता है हम दोनों भी उस स्कूल से ही आए हैं, इसलिए हमें वहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। गेंतोगी बोलते हैं कि तो ठीक है, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। खुद को ट्रेन किया स्पिरिचुअल अट्रैक्ट को कम करने की, इस वजह से मैं एक नॉर्मल पर्सन बन चुका हूँ। एक बंदा होता है बोलता है कि क्या तुम इस बच्चे का ट्यूटर बनने के लिए तैयार हो? गेंतोगी बोलता है कि हाँ। बंदा बोलता है कि रिलैक्स रहो, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? बंदा गेंतोगी को बोलता है कि तुम्हारे हाथ में जो लेटर है वो लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, पढ़ाने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये स्कूल की टैलेंटेड लड़की है। एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने हाथों में कैंडल जलाकर बोल रही होती है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, निकल जाओ इस घर से। गेंतोगे पहुंच चुका है जहां पर उस लड़की को पढ़ाना था। वो घर को देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि वो घर इको का होता है। गेंतोगी डोरबेल बजाता है और इको आकर दरवाजा खोलती है और बोलती है कि गेंतोगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेंतोगी बोलता है कि मैं अपनी जॉब में आया हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है? इको बोलती है कि मैंने तो तुम्हें बताया था मेरी एक छोटी कजन है। इको की बात सुनने के बाद गेंतोगी बोलता है कि तो मैं सही जगह आया हूँ।
फिर हम देखते हैं गेंतो के घर के अंदर जाता है। इको बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तुम मेरी छोटी कजन को पढ़ाने वाले हो। ये बोलने के बाद वो अपनी कजन को बुलाने लगती है। तो ये जब इको की कजन को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसकी आंखें काफी ज्यादा वियर्ड होती है, उसका आय नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं था। तो इको से बोलता है कि तुम कौन सी क्लियचर के साथ रह रही हो। इको बोलती है कि ये कोई क्लियचर नहीं, ये मेरी छोटी कजन सिस्टर है, अजुकी है। तो थोड़ा डर कर उसकी आय में देखता है और मन में बोलता है कि इसकी आय में एक खोपड़ी की तरह क्या है। अजुकी जैसे ही गेंतोगी की राइट हैंड को देखती है वैसे ही बोलती है कि आपकी राइट हैंड इतना बड़ा क्यों है। अजुकी की बात सुनने के बाद गेंतोगी बहुत शॉक्ड होता है और अपने मन में बोलता है कि आखिर अजुकी मेरी इस हाथ को कैसे देख लिया, क्योंकि इस हाथ को कोई भी नहीं देख सकता है सिवाय मेरे। फिर गेंतोगी मन में सोचता है कि क्या ये हॉरर फीलिंग्स है। गेंतोगी अजुकी से बोलता है कि तुम्हें ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए। अजुकी बोलती कि मुझे माफ कर। फिर हम देखते हैं कि अजुकी के हाथ में जो रैबिट होता है वो उसकी गला को दबाने लगती है और बोलती है कि क्या मैं आपके लिए इसका गला दबा दूं। गेंतोगी मन में सोचता है कि क्या ये मेरी तरह स्पिरिट को देख सकती है। सारी बातें गेंतोगी मन में ही सोच रहा होता है। फिर हम इको को देखते हैं जो बोलती है गेंतोगी तुम ठीक तो हो ना। गेंतोगी इको को देखता है और पूछता है कि इको ने उसके लिए क्या क्या किया है। ये सब सोचने के बाद गेंतोगी अपने आप को संभालता है और वो अजुकी के पास जाता है और बोलता है कि हाय मैं तोगी तुम्हारा ट्यूटर। अजुकी गेंतोगी की बात सुनने के बाद बोलती है कि चलो हम हंटिंग में चलते हैं। गेंतोगी अजुकी की बात सुनने के बाद काफी शॉक्ड होता है, कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया हूँ ना कि हंटन प्लेस तुम्हें घुमाने के लिए। कि गेंतोगी को बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें घोस्ट पसंद करते हैं, तुम्हारे और जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें कहीं ना कहीं एक घोस्ट देखने के लिए मिलेगा। ये सुनने के बाद गेंतोगी मन में सोचता है कि मुझे तो ये इंसानों की तरह नहीं लगती है। गेंतोगी बोलता है कि हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए ना कि फालतू की बात। ये सुनने के बाद अजुकी इको को कॉल लगवाती है और बोलती है कि गेंतोगी ने मुझे पूछा कि मैं कौन सी कलर की पेंटी पहनी हूँ। ये सुनने के बाद गेंतोगी जल्दी से जाकर उसकी फोन को पकड़कर बोलता है कि कसम से मैं ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है इसको, प्लीज मुझे इस लड़की से बचा दो। हम देखते हैं इको वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि चलो चले। इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों को कार में एक फोन बूथ के पास आ जाते हैं। इको बोलती है कि ये है वो हॉन्टेड फोन बूथ। बोलने के बाद इको गेंतोगी को बोलती है कि क्या मैं तुम्हें इस हॉरर फोन बूथ के बारे में तुम्हें नहीं बताया। गेंतोगी बोलता है कि मुझे नहीं जानना इस स्टोरी के बारे में। इको बोलने लगती है उसकी स्टोरी के बारे में। इस फोन बूथ के अंदर एक यंग लड़की की मर्डर हुआ था। लोगों का कहना है कि ये लड़की काफी लोगों को लूटा था। जैसे ही उस लड़की का मतलब खत्म हो गया वो लोगों के ऊपर स्पिरिट छोड़ दिया। लेकिन एक दिन कुछ लड़कों ने उस लड़की का पीछा किया। वो लड़की भागते हुए इसी फोन बूथ के अंदर फंस गई। के बाद वो लड़कों ने उस लड़की को जान से मार दिया। वो लड़की मरते हुए बोला था कि वो यहाँ पर अकेले नहीं मरेगी। जब भी कोई लड़का या लड़की इस नंबर पर कॉल करेगा या इस फोन बूथ के अंदर कॉल करने के लिए आएगा उसको मेरा एहसास होगा और मैं उसको मार दूंगी। की बात सुनने के बाद गेंतोगी बोलता है कि हमें इस फोन बूथ के नंबर कैसे मिलेगा। इको बोलती कि तुम टेंशन मत लो, किसी लड़की ने इस फोन बूथ के नंबर ऑनलाइन में पोस्ट करी है। तो कि इको की बात सुन रहा होता है पर अचानक से उसका ध्यान जाता है अजुकी उस फोन बूथ के अंदर चली गई है। देखने के बाद गेंतोगी बहुत डर जाता है और भाग कर जाकर अजुकी को बाहर निकाल देता है और बोलता है कि क्या तुमने सुना नहीं, इस फोन बूथ के अंदर जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। सुनने के बाद अजुकी बोलती है कि मैंने इस फोन बूथ के अंदर किसी को भी फील नहीं किया। सुनने के बाद इको बोलती है कि शायद उसकी स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है।
ये सब सुनने के बाद गेंतो की फील करता है कि मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई घोस्ट है जो कि मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और हाजुकी बोलती है कि चलो प्लान बी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। बोलने के बाद वो अपनी पर्स से फोन निकालती है और उस फोन बोथ के अंदर कॉल करने लगती है। गेंतो की उसकी फोन को छीन लेता है, मैंने तुम्हें अभी नहीं बोला कॉल करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं हाजुकी गेंतो की जैकेट को पकड़ लेती है फोन देने के लिए, जिसकी वजह से गेंतो की हेजुकी को बोलते है तुम कितनी स्ट्रांग हो। जिसके बाद हम इको को देखते हैं जो बोलती है कि मैं रेडी हूँ इस फोन बोथ के अंदर कॉल करने के लिए। जिसके बाद गेंतो की बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ, मैं तो ये भी नहीं पता है उस फोन बूथ के अंदर रियल स्पिरिट है या नहीं है। इको बोलती है कि गेंतो की तुम कॉल करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। गेंतो की मन में सोचता है कि इन दोनों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ, और वो रेडी रहता है फोन बूथ के अंदर कॉल करने के लिए। पर उसके पहले वो बोलता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ तो हम सीधा घर चले जाएंगे। हाजुकी और इको बोलती कि तो ठीक है इससे पहले तुम कॉल तो करो गेंतोगी। उसके बाद गेंतोगी फोन बूथ के अंदर कॉल लगाता है जहाँ पर रिंग जाती है। तभी अचानक से एक लड़की कॉल उठाकर बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, जल्दी से मुझे बचाओ। के बाद गेंतोगी उस फोन बूथ के अंदर देखता है और हम देखते हैं कि उस फोन बूथ का दरवाजा अचानक से खुल जाता है। उसके सामने ब्लड से एक फेस बन जाता है और वो बोलती है कि प्लीज मेरे हेल्प करो, जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सब देखने के बाद गेंतोगी बहुत ज्यादा डर जाता है और हम हेजुकी को देखते हैं जो कि अपने रैबिट को उस फोन बूथ के अंदर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। हम देखते हैं कि अचानक से वो रैबिट फूलने लगता है और फट जाता है और वो फोन बूथ के अंदर से ब्लड ही ब्लड होता है। ये देखने के बाद वो तीनों डर जाते हैं और कार को फास्ट ड्राइव कर वहां से चले जाते हैं। और हम हेजुकी को देखते हैं जो कि उसी फोन बूथ को देख रही होती है और बोलते कि ये तो और किसी को ही मार दिया, ये नहीं लगता है ये कोई आम स्पिरिट है। और वो घर वापस आ जाता है गेंतो की हाजुकी को बोलता है कि तुम हमें कैसे जगह में लेकर जाए थे, हम आज से ऐसी जगह में नहीं जाएंगे, हम पढ़ाई करेंगे। सुनकर हाजुकी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद गेंतो की उसे पढ़ाने लगता है और पूछता है कि क्या तुम स्पिरिट को देख सकती हो। हाजुकी बोलती है कि हाँ मैं स्पिरिट को देख सकती हूँ, मैं कितने सारे स्पिरिट को देख चुकी हूँ। गेंतो की पूछता है कि तुमने सबसे ज्यादा स्पिरिट को कहाँ पर देखा है। हाजुकी बोलती है कि जो जगह 100% हरेटो में वैसी जगह में स्पिरिट को देख सकती हूँ। सुनकर गेंतो की थोड़ा डर जाता है, वापस से वो उसे पढ़ाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इको गेंतो की एक साथ बैठे होते हैं। इको उसे बताती है कि हाजुकी पागल नहीं है, तो मेंटल कंडीशन अब थोड़ा खराब चल रहा है क्योंकि कुछ समय पहले ही वो अपनी मॉम डैड को खो दिया, इसलिए हॉरर जगह में जाती है उसकी मॉम की स्पिरिट को वो ढूंढ सके। में हाजुकी की पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर हाजुकी उसकी मॉम के साथ एक क्लिनिक में आई होती है। हाजुकी की मॉम डॉक्टर से बोलती है कि मेरी बेटी अच्छे से क्यों नहीं देख पाती है। डॉक्टर बताते हैं कि हाजुकी की आंख में थोड़ी प्रॉब्लम है। वहीं हमें हाजुकी को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर को देख रही होती है, उसके पीछे बहुत सारे स्पिरिट होते हैं, इस वजह से उसकी मॉम को उसकी बहुत फिकर हो रही होती है। वो लोग उस क्लिनिक से निकल जाते हैं। जो हाजुकी होती है वो अपने आसपास स्पिरिट को देख रही होती है। तभी जो हाजुकी की मदर होती है वो उसे हग कर लेती है। मैं पता है हम कल तुम्हारे डैड के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। हाजुकी अपनी मॉम डैड के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रही होती है, लेकिन सामने से एक ट्रक आता है जिस की वजह से उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। इस एक्सीडेंट में सिर्फ हाजुकी ही बच गई होती है। फिर हमें हाजुकी की मॉम डैड की फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर कि हाजुकी को उसकी डैड की स्पिरिट दिखाई दे रही होती है और हाजुकी अपनी मॉम डैड के साथ बिताई हुई खुशी के पल याद कर रही होती है।
और हमें ये प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिंतोगी बोलता है कि हाजुकी सब स्पिरिट को देख सकती है लेकिन वो अपनी मदर की स्पिरिट को नहीं देख सकती है। अभी हाजुकी जिस कंडीशन में है मुझे उसके बारे में पता है लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसको उसकी मदर के साथ मिलाने के लिए। और ये सारे बातें हाजुकी पीछे से सुन रही होती है। और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर हाजुकी अपनी बहन के साथ आई होती है गेंतोकी के घर। हाजुकी बोलती कि चलो हमें वापस से उसी प्लेस में जाना है। गेंतोकी बोलता है कि क्या अभी, जो कि उसे एक मुर्दे देती है। गिंतोगी भी उस मुर्दे को ले लेता है। हाजुकी बोलती कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। गिंतोगी देखता है कि उस मुर्दे के ऊपर कुछ सॉक्स की तरह लगा होता है। इको बताती है कि मैंने हाजुकी की पेंटी से इसको कवर किया है, मैं आगे जाकर इसकी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हमें उसी प्लेस में दिखाया जाता है उन सबको, जो कि बोलती है कि मैं उस नंबर में और एक बार कॉल करना चाहती थी पर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और गिंतोगी को बोलते हैं कि इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मेरे साथ रहो। गिंतोगी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। हाजुकी बोलती है कि उस स्पिरिट तुम्हें देख रही है। देखते हैं वो स्पिरिट गिंतोगी को अपनी फोन बूट के अंदर खींच लेती है। के बाद वो स्पिरिट अपनी पावर की मदद से गिंतोगी की गले को दबाने लगती है और उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। देखकर हाजुकी अपनी पीछे से दो हथियार निकालती है, उसकी मदद से वो फोन बूथ का दरवाजा खोल देती है। उसके बाद वो उस मूर्ति को बाहर निकालती है। फिर वो उस मूर्ति की मदद से पूरी फोन बूथ को तोड़ देती है। देखकर गिंतोगी डर जाता है। हाजुकी गिंतोगी को वहां से लेकर भाग जाती है। सब वहां से जा रहे होते हैं। गिंतोगी को दिखाया जाता है जो कि हाजुकी के ऊपर चिल्ला रहा होता है। लेकिन जब गिंतोगी पीछे पलटकर देखता है तो उसे कुछ एहसास होता है। जिसके बाद हमें हाजुकी को दिखाया जाता है जो कि अपनी डॉल की गला दबा रही होती है। मगर हम देखते हैं उस डॉल के पीछे वो फोन बूथ का फोन होता है। उसके बाद वो सब घर आ जाते हैं। को गिंतोगी को आज के लिए शुक्रिया अदा कर रही होती है। गिंतोगी बोलते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इको बोलती है कि मैं आज फिर से तुम्हारे वो पुराने वाले रूप को देखा। उस हंटेड जगह में स्पिरिट से बात करने के लिए मना कर रहे थे लेकिन तुम्हारा जो शरीर था वो उसके लिए बात करने के लिए उतावला हो रहा था। तुम्हें उस स्पिरिट आवाज सुनकर खुशी हुई। ये बात सुनकर गिंतोगी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर गिंतोगी हाजुकी से पूछता है कि तुम फिर से उस जगह में नहीं जाओगी ना। हाजुकी भी मना कर देती है। फिर हमें एक खुफिया रूम दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो फोन बूथ वाली स्पिरिट को बहुत सारे स्पिरिट मार। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। गिंतोगी इको के घर पर आ रहा होता है हाजुकी को पढ़ाने के लिए। वो इको के घर पर पहुंच जाता है और डोर बेल मारता है। हाजुकी दरवाजा खोलती है। गिंतोगी बोलता है कि हाय हाजुकी। हाजुकी एक डॉल की गला दबा रही होती है। देखकर गिंतोगी थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है कि स्पिरिट की मामले में बहुत खतरनाक है। वो जाकर उसको पढ़ाता है। गिंतोगी बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है ना। हाजुकी भी हाँ बोल देती है। को वहाँ पर आकर गिंतोगी को चाय और हाजुकी को मिल्क देती है। तो ये उसे थैंक यू बोलता है। गिंतोगी जब चाय पी रहा होता है भी हाजुकी बोलती कि क्या आज भी हम एक हॉन्टेड प्लेस में चले। ये सुनकर गिंतोगी के मुंह से तो चाय ही निकल जाता है। गिंतोगी सोचता है कि आज तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं मना कर दूंगा। गिंतोगी बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, मुझे और कहीं पर जाना था। हाजुकी इको को बोलती कि ये हमें झूठ बोलकर और किसी लड़की के साथ घूमने के लिए जा रहा है। इको बोलते कि तुम कौन सी लड़की के साथ घूमने के लिए जा रहे। गिंतोगी बोलता है कि मैं किसी लड़की के साथ घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मेरा थोड़ा काम है इसलिए मुझे और कहीं पर जाना है। इको बोलते है कि क्या तुम झाड़ फूंक करने के लिए जा रहे हो। गिंतोगी बोलता है कि हाँ। ये तीनों रेडी हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। हाजुकी एक्साइटेड होती है वहाँ पर जाने के लिए। गिंतोगी की तो बैंड ही बज चुकी होती है। हाजुकी ने उस दिन मुझे लेने के लिए कितना परेशान किया था, मुझे तो वहाँ जाना ही नहीं था। मैंने इको को बुलाया हाजुकी को समझाने के लिए। इको ने ही बोला कि चलो हम तीनों ही
वहाँ पर चलते हैं। अगर मैं इनको लेकर नहीं जाता तो ये तो मेरी जान ही ले लेते। मेरा टाइम ऐसे ही खत्म होने वाला है इनके साथ ही। इनको बोलते कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर स्पिरिट नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो। तो ये मन में सोचता है कि हमेशा इको हाजुकी की ही साइड लेती है। उन्होंने मुझे उस दिन ये बोला था कि जब मैं फोन बूथ के साथ बात कर रहा था तभी मुझे खुशी हो रही थी। जाकर एक स्टॉपेज में पहुंच जाते हैं। इको बोलते कि हे गेंतोगी। गेंतोगी बोलता है कि क्या हुआ। इको बोलती कि हम कार में जा रहे हैं इसलिए हम बहुत मजे करेंगे और हम वहाँ पर बहुत सारे जगह घूमने के लिए भी जाएंगे। क्योंकि गेंतोगी को बोलती है कि क्या तुम हर मन जाते हो झाड़ फूंक करने के लिए। गेंतोगी हाँ बोलता है और बोलता है कि जब से ये स्पिरिट मेरे पीछे पड़ गए हैं तब से जा रहा हूँ। इको बोलते है कि हम बहुत जल्द साराइनी में पहुँचने वाले हैं, गेंतोगी की दादी माँ के घर। हाजुकी बोलती है कि क्या दादी माँ के घर। उसके आसपास पहुँच गए होते हैं इसलिए वो जाकर एक पास वाले रेस्टोरेंट में खाना पीना करते हैं। खाना पीना करने के बाद वो निकल जाते हैं दादी माँ के घर जाने के लिए, जो कि रास्ते को अच्छे से देख रही होती है। और वो पहुँच जाते हैं गेंतोगी के दादी माँ के घर, जिसे देखकर इको बोलती है कि हम पहुँच गए गेंतोगी के दादी माँ के घर। हाजुकी भी कुछ समय के लिए वो घर देखकर चौंक जाती है, लेकिन गेंतोगी की दादी माँ आकर गेंतोगी के ऊपर पानी फेंक देती है। गेंतोगी के पास खड़े हुए हाजुकी भागकर दूर चली जाती है। गेंतोगी भीग जाता है। गेंतोगी की दादी माँ बोलती है कि ये बदमाश लड़की को तुम यहाँ पर क्यों लाए हो। गेंतोगी उसकी दादी माँ को बोलता है कि दादी माँ आपने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका। दादी माँ बोलती है कि गलती से तेरे ऊपर पड़ गया, मैं तो ये लड़की के ऊपर पानी फेंक रही थी। दादी हाजुकी के पास आकर बोलती कि तुम वही लड़की हो ना जिसने जेजू गॉड की स्टैचू को तोड़ दिया था। वो भी एक बार नहीं 5 बार तोड़ दिया था। जो कि बोलती है कि नहीं तुमने बहुत कम बोल दिया बुढ़िया, मैंने तो 7 बार तोड़ा था। सुनने के बाद उसकी दादी माँ बोलती है कि क्या तुमने 7 बार तोड़ा था। हम पर गेंतोगी सोचता है कि दादी स्पिरिट को लेकर बहुत सेंसिटिव है, मुझसे अच्छे से वो स्पिरिट को पहचान सकती है, लेकिन हाजुकी जो देख सकती है वो मेरी दादी नहीं देख सकती है। दादी गुस्से में हाजुकी को मारने ही जा रही होती है तभी गेंतोगी उन्हें रोक देता है। क्योंकि की दादी बोलती कि क्या तुझे पता नहीं है ये लड़की कितनी बुरी है, छोड़ दे मुझे, मुझे इसे मारने दे, तू इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। गेंतोगी बोलता है कि मेरी दादी माँ जो बोल रही है ये सही है लेकिन ये दिल से अच्छी है। गेंतोगी उसकी दादी माँ को बोलता है कि वो अभी मेरी स्टूडेंट है, उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, जो स्किल था इसलिए मुझे यही जॉब मिला है। सुनने के बाद उसकी दादी थोड़ा शांत हो जाती है। उसकी दादी माँ बोलती है कि तुमने छोड़ने के लिए बोला इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, नहीं तो आज इसकी खैर नहीं। और उसकी दादी हाजुकी को बोलती है कि ए लड़की तूने और एक बार मेरी स्टैचू को तोड़ा तो मैं तेरी दांत तोड़ दूंगी, तुम मेरी जिस स्टैचू को तोड़ोगी तुम्हें उसका पैसा देना होगा। ये बोलने के बाद वो बोलते हैं कि चल गेंतोगी मैं तेरा झाड़ फूंक कर देती हूँ। जब उसकी दादी वहां से चली जाती है तभी हाजुकी गेंतोगी को शुक्रिया अदा करने लगती है उसकी जान बचाने के लिए। गेंतोगी बोलता है कि क्या तुमने सच में जीजू स्टैचू को तोड़ा था। हाजुकी बोलती कि हाँ, लेकिन गेंतोगी बोलता है कि तुमने क्यों तोड़ा था। हाजुकी बोलती कि मुझे लगा उस स्टैचू के अंदर मेरी मॉम की स्पिरिट है इसलिए मैंने उसको तोड़ दिया। गेंतोगी बोलता है कि क्या तुम्हें यही लगता है हर जगह में तुम्हारी मॉम की स्पिरिट होगी। सुनकर हाजुकी थोड़ा दुखी हो जाती है। बोलने के बाद गेंतोगी को याद आता है कि कल रात की बात ने उसे बताया था कि कुछ साल पहले ही इको की पापा और मॉम की डेथ हो गई थी। फ्यूनरल के दिन वो अपने पापा की स्पिरिट को देख पाई लेकिन उसकी मॉम की स्पिरिट को नहीं देख पाई। वो हॉन्टेड प्लेस में जाती है उसकी मॉम को ढूंढने के लिए। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिस्तर के ऊपर गेंतोगी सोया पड़ा होता है। दादी माँ पूछते है कि क्या तुम मेडिटेशन करते हो। गेंतोगी को दादी माँ बोलती है कि क्या तुम अच्छे से खाते हो और एक्सरसाइज करते हो ना। गेंतोगी बोलता है कि हाँ मैं अच्छे से खाता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ। गेंतोगी बोलता है कि वो मेरी दादी माँ ही थी जो मुझे बताई स्पिरिट अट्रैक्शन के बारे में। तो
यहाँ पर झाड़ फूंक करते हैं इन सबका। स्पिरिट मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तभी लेकर अभी तक वो मेरे झाड़ फूंक करते हैं। दादी माँ एक तलवार निकाल कर बोलती है कि शुरू करे और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम पर हैजू की दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगती है। इको बोलती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, कि बोलती है कि मैं एक फोटो खींचने के लिए जा रही हूँ। को बोलती है कि क्या उन्होंने मना नहीं किया था अंदर आने के लिए। तो तुम कहाँ पर मेरी बात सुनने वाली हो, मेरे पास गेंतोगी और उसकी दादी माँ की एक अच्छा फोटो है, क्या तुम देखना चाहोगे। हाजू की बोलती कि क्या एक अच्छा फोटो, मैंने उस फोटो को मेरी फोन में छुपा कर रखा था। सुनकर हाजू की वहाँ पर खुशी से आकर बैठ जाती है और बोलती है कि दिखाओ मुझे। को बोलती कि तुम तो बहुत इंटरेस्टेड हो के लिए, और वो गेंतोगी को माफी मांगने लगती है। हाजू की फोटो देखती है तभी बोलती कि ये क्या है। को बोलती कि तुम्हें ये व्हाइट कलर की बाल दिख रही है ना, लेकिन ये बाल नहीं है, नर्व से गेंतोगी के हाथ में था जो कि उसे बहुत दर्द देता था। ये धीरे धीरे बड़ा होता था, इसलिए उसे हर बार एनोथीसिया देने की जरूरत पड़ती है। तलवार से उसको हर तरफ काटना पड़ता है। बैठकर हाजुकी देख रही होती है और वो हाजुकी को बोलती कि तुम इतना देखकर खुश हुए ना। हाजुकी बोलती कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। तो की दादी बोलती कि एक दिन मेरा घुटना मुझे मार देगी। तो की उसकी दादी को शुक्रिया अदा करने लगता है उसकी परेशानी को दूर करने के लिए। तभी वहाँ पर इको और हैजू की चले आते हैं, बोलते हैं कि हम आप दोनों के लिए कुछ स्नैक्स खरीद कर लाए हैं। तो की बोलते हैं आप दोनों यहाँ पर क्यों आए, आप दोनों वहाँ पर बैठते हम आ जाते हैं वहाँ पर। हैजू की गेंतोगी को एक जूस कैन देती है। गेंतोगी बोलता है मैं कैसे पकड़ूं, मेरा हालत तो बुरा हो चुका है। हाजू की बोलती कि हे दादी जी, इसका हाथ थोड़ा पतला नहीं हो गया है, मुझे लग रहा है आप दोनों बहुत थक गए हो, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आप दोनों जाकर थोड़ी रेस्ट करिए। गेंतोगी बोलता है मैं थोड़ा टॉयलेट जाकर आता हूँ। को और हाजू की जाकर गेंतोगी के हाथ से जो तलवार निकाली गई थी उसको देखने लगते हैं दोनों बैठकर। हाजू की ग्रैंडमा को बोलती है कि क्या मैं उनमें से कुछ ले सकती हूँ। ग्रैंडमा सोचते कि ये बेकार लड़की इसको लेकर क्या करेगी। ग्रैंडमा बोलती कि बुरी लड़की, क्या तुम्हें ये सारी चीजें पसंद है। को बोलती है जैसे मुझे करी पसंद है उसे ऐसा चीज पसंद है। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तुम्हें एक अच्छे से इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं, ये मेरी शहर का स्टोरी है, ये सर्विस डॉल के बारे में कुछ है। बहुत लोग बहुत कहानियां बनाते हैं, लेकिन हमारे घर के नीचे जो बेसमेंट है बहुत डेंजरियस है और उसके अंदर जाने के लिए मैं सबको मना किया हूँ। तभी उसी जगह से गेंतोगी चलते हुए आ रहा होता है, उसे एक डॉल मिलता है। वो सोचता है कि इस डॉल को यहाँ पर किसने गिरा दिया। गेंतोगी सोचता है कि शायद ये दादी का है, क्योंकि वो बहुत थक चुके हैं ना इसलिए गिर गया होगा, इसलिए मैं उनको ये दे दूंगा। मैं पता है तुम जब उस बेसमेंट में जाने की कोशिश करोगे उसके शरीर से बाल आकर तुम्हारा गला पकड़ लेंगे और तुम्हें वहाँ पर खा जाएंगे। ये सुनकर हाजू की बोलती कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था। दादी तो शॉकडी हो जाती है क्योंकि इन्होंने तो बहुत हॉरर कहानी बताई पर ये तो बिल्कुल डरी ही नहीं। तभी हमें गेंतोगी को दिखाया जाता है जो कि उसी घर के पास जा रहा होता है। हाजू की ग्रैंडमा को पूछती है कि वो डॉल कैसे दिखती थी। ग्रैंडमा बोलती है कि वो डॉल ट्रेडिशनल डॉल थी, उसके बाल बहुत लंबे हैं और वो रेड किमिनो पहनती है, ड्रेस में फूल की पंखुड़ियां होते हैं। को पूछती है कि तुम इस बारे में अभी क्यों पूछ रही हो। हाजू की बोलती है कि मैंने गेंतोगी को यही डॉल पकड़कर जाते हुए देखा। ग्रैंडमा बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तलवार पकड़ लेती है और बोलती है कि आपका पावर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, गेंतोगी को जाकर सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। उस तलवार को पकड़ लेती है और उसका जो हथियार होता है वो उसे भी निकाल देती है और वो बोलती है कि मैं उसके पास जा रही हूँ उसकी मदद करने के लिए। शिफ्ट होते हैं, हमें दिखाया जाता है गेंतोगी बहुत सारे डॉल के बीच में बैठा होता है।
जब उसका आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो बेसमेंट में आ चुका है। भी उसकी मुंह में डॉल का बाल घुसने लगता है। ये देखकर वो बाल को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो निकाल नहीं पाता है। चारों तरफ जो डॉल होते हैं उनका आँख लाल हो जाता है और गेंतोगी बोलता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। गेंतोगी को याद आता है कि दादी ने बोला था कि अकेले बेसमेंट में नहीं जाना है कभी भी। गेंतोगी सोचता है कि मैं मेरी दादी का बातों को नजरअंदाज कर दिया इसलिए मैं अब फंस गया यहाँ पर। और वो रोने लगता है और वो अपनी सामने हाजुकी की पैर को देखता है और हाजुकी वो बाल को काटने की कोशिश करती है। वहाँ पर बहुत खतरनाक एनर्जी रिलीज होता है, उसके हमले से थोड़े ही बाल कटता है। इसलिए उसका जो हथियार होता है वो उसके पेट में मारकर वो तलवार को बगल में घुसा देती है और वो तलवार के ऊपर कूद जाती है। इस वजह से उसका सिर धीरे से अलग हो जाता है। जुकी बहुत बैडस नजर से गेंतोगी को देखने लगती है। वहाँ पर जितने भी डॉल होते हैं वो सबको वार्निंग देती है कि ऐसा चीज इंसानों के साथ करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहाँ पर जितने भी डॉल होते हैं उनका आँख फिर से नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पर गेंतोगी की दादी आ जाती है जो कि गेंतोगी की मुंह से बाल निकाल देती है। वहाँ पर सब आकर बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। गेंतोगी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। गेंतोगी बोलता है कि मुझे फिर से हाजुकी ने बचा लिया, मेरी गलती की वजह से ही यहाँ पर आकर फंस गया। वहाँ पर हाजुकी नहीं होती तो मैं यहाँ पर मर ही जाता। सुनकर हाजुकी थोड़ा शर्माने लगती है। गेंतोगी याद करने लगता है कैसे उसकी ग्रैंडमा ने उसे डाटा था, इस वजह से मैं उसका आंसर नहीं दे पाया था लेकिन मैं समझ गया। और वो घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। माँ इको को बोलती है कि तुम फिर से यहाँ पर आना। हाजुकी बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं तुम अगली बार पर मत दिखना। और वो वहाँ से निकल जाते हैं और वो घर पर आकर पहुँच जाते हैं। आज पहली बार हाजुकी अपनी रूम को गेंतोगी को दिखाया है। गेंतोगी ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। और देखता है कि वहाँ पर सब डॉल हिल रहे होते हैं और उनका आँख लाल होता है। वहाँ पर टेलीफोन स्पिरिट भी पड़ी होती है। ये वो देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है। गेंतोगी बोलता है कि तुमने मुझे यही मत बोलना कि ये सब वही डॉल है। जुकी बोलती है कि हाँ ये वही डॉल है जो कि परेशान करते थे इंसानों को। मैंने ये डॉल इसलिए लिया क्योंकि उसके अंदर बुरी स्पिरिट थी। तुम्हारे हाथ से जो निकला था मैंने उसका एक तार बनाकर उसे पहना दिया है। तुम्हारे हाथ में जो हुआ है तुम्हें अब से थोड़ा कम दर्द होगा। जब वो तार को खींचती है तो की आग से खून निकलने लगता है। यहाँ पर हाजुकी बोलती है कि खो ये सिंथेनाइज। गेंतोगी बोलता है कि मुझे ये सब नहीं देखना है। और वो वहाँ पर इको को बुलाने लगता है। इको भी वहीं पर आ जाती है। उसे देखकर वो डर जाता है। इको बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम्हें देखकर इतना डर जाओगे तुम। इको बोलती है डरो मत, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये उसका डॉल कलेक्शन है। ये सुनकर गेंतोगी डर जाता है। उसके पास जाकर बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। हाजुकी बोलती है कि क्या तुम अभी सेफ हो। ये सुनकर वो और भी घबरा जाता है। हाजुकी उससे उसका नाखून मांगने लगती है कि वो गेंतोगी को बहुत बड़े खतरे से बचाना चाहती थी। गेंतोगी इतना ज्यादा डर चुका होता है कि हाजुकी क्या बोल रही है उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। हमें गेंतोगी को दिखाया जाता है जो कि बाहर चलकर आ रहा होता है और वो याद करता है कि पिछले रात क्या हुआ था। और वो भी यही बात करता है कि कैसे कल रात कुछ भी नहीं बोल पाया। गेंतोगी सोचता है कि इस इंसिडेंट के बाद मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए लेकिन वहाँ पर इको रहती है और मैं उसका दोस्त हूँ, यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा और उसकी फिकर करता हूँ। वो जब डोर बेल मारता है इको आकर दरवाजा खोलती है और बोलती है कि गेंतोगी अंदर आ जाओ। गेंतोगी सोचता है कि ये दोनों ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो गेंतोगी को अंदर बुलाकर चाय देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जुकी यहाँ पर रहते हुए 1.5 साल हो चुका है लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर।
मुझे पता है यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। मुझे पता है तुम जो बोल रही हो ये सच बात है, लेकिन मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि तुम जो बोल रही हो ये सच बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो चाल चल रहा है। पर हाजुकी आकर उसकी नाखून काटने लगती है। बोलती कि गेंदों की तुम मत हिलो, क्योंकि नाखून काटते वक्त तुम्हारा हाथ भी कट सकता है। सुनकर गेंदों की डर कर पीछे चला आता है, क्योंकि उसके पीछे पड़ जाती है कि मुझे तुम्हारा नाखून चाहिए, मुझे तुम्हारा नाखून चाहिए। तो की चिल्ला कर बोलते है कि मैं नहीं दूंगा मेरी नाखून तुम्हें। गेंदोगी उसे पढ़ाने लगता है कि हाजुकी धीरे धीरे कर उसके पास आने लगती है। उसे देखकर गेंदोगी तो डर ही जाता है। हाजुकी तब से 108 बार लिख चुकी होती है कि मुझे तुम्हारा नाखून चाहिए, मुझे तुम्हारा नाखून चाहिए, लेकिन गेंदोगी मना कर देता है। इको बोलती है कि एक तो नाखून दे दो, इतना तो काफी होगा उसके लिए। को एक बुक दिखाकर बोलती है कि क्या हम इस जगह में जाएं? ये बहुत अच्छा हॉन्टेड प्लेस है। मेरा मतलब ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है। तो ये बोलता है कि तुमने क्या बोला, हॉन्टेड प्लेस बोला और वो भी अच्छा। वहाँ पर चली जाती है और बोलती है कि और कहाँ पर हॉन्टेड प्लेस है मुझे बताना जरा। तो जाकर उसके कान में कुछ बोल देती है। हाजुकी बोलती है कि हाँ हम इस जगह में जाने वाले हैं। दोनों गेंदोगी को बोलते हैं कि तो चलो हम वहाँ पर चलते हैं और मजे करते हैं और बहुत अच्छा अच्छा स्पॉट देखते हैं फोटो खींचने के लिए। गेंदोगी बोलते हैं कि तुम दोनों मुझे ऐसे मत देखो, मैं नहीं जाने वाला। दोनों गेंदोगी को खींच कर ले जाने लगते हैं और बोलते हैं कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह है। तो सब जाकर कार में बैठ जाते हैं। वो ऐसे ही एक्साइटेड होते हैं जैसे पहली बार जाने के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन वहाँ से तो गेंदोगी ही गायब था। गेंदोगी बोलता है कि मैं मेरी घर पे जा रहा हूँ। इको बोलती है कि प्लीज रुक जाओ, तुम यहाँ से मत जाओ। हाजुकी बोलती है कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो गेंदोगी। गेंदोगी बोलते है कि तुम जो बोले ठीक बोले, मैं नहीं चाहता हूँ ये सब करना, मैं ये खतरनाक जगह में जाने के लिए डरता हूँ और मेरा लाइफ कर्ज से भरा हुआ है और मैं किसी दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं हर दिन सोचता हूँ कि मेरा किसी भी दोस्त के साथ ऐसा ना हो। जुकी बोलती है कि क्या तुम्हें डरावना चीज के साथ डील करना नहीं आता। गेंदोगी बोलता है कि ये बताने के लिए मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। गेंदोगी इको को बोलता है कि तुम्हें तो पता है तुम जब मेरे साथ थी तुम्हारे साथ क्या हुआ, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा दूर रहता हूँ। ये सुनकर हाजुकी इको को बोलती है कि चलो हम दोनों ही जाते हैं, गेंदोगी तो नहीं जाएगा हमारे साथ अब। तो बोलती कि हाजुकी क्या सच में हम यहाँ से चले जाएं? तो की बोलती कि हाँ सच में, और वो दोनों गेंदोगी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए सोचते हैं कि हमने वहाँ पर गेंदोगी को छोड़ दिया, ये अच्छा आइडिया नहीं था। हाजुकी बोलती है कि गेंदोगी डरावना चीज को देखकर और भी डर जाता है, जैसे कि मुझे वो देखकर डरता है। और बोलती है कि गेंदोगी के राइट हैंड में जो कर्ज लगा है वो उसे भी हटाना चाहता है। मुझे लगता है कि उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। इको बोलती है कि क्या तुम सच में उसका कर्ज को मिटा सकती हो? हाजुकी बोलती है कि हाँ। तुम दोनों सोचते हो कोई इसे निकाल दोगे बिना परेशानी से, और बोलती है कि इको मुझे एक अच्छा जगह के बारे में पता है, वहाँ पर जाकर हमें गेंदोगी के कर्ज के बारे में कुछ पता चलेगा। ये दोनों निकल जाते हैं उस जगह में जाने के लिए। शिफ्ट होते हैं, हमें गेंदोगी को दिखाया जाता है जो कि भाग कर जा रहा होता है। वो याद कर रहा होता है कि दादी माँ के बातें, और वो सोचता है कि कैसे इको और हाजुकी उसे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। वो एक शॉप में चला आता है कुछ चीजें लेने के लिए हाजुकी को अगले लेसन में कुछ सिखाने के लिए। क्योंकि इको को बोलती है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं ये शहर से बहुत दूर है और जंगल के बीच में है, पर एक टेंपल है, वहाँ पर जीजू स्टैचू है, ये मदर और सोन का इम्प्रिंट शो करते हैं। और मैंने सुना था वहाँ पर जो छोटे बच्चे मर जाते हैं वो वहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ रीजन की वजह से गॉडेस किस मुंजिन जो कि एक बुरी माँ की स्पिरिट में बदल चुके हैं, जो ये सब घोस्ट गाइड बुक में लिखा हुआ है। ये बातें मुझे तब तक याद नहीं था जब तक ये मैंने मैगजीन में नहीं पढ़ा था। और हाजुकी देखती है कि वो जिस जगह में जा रहे हैं वहाँ पर रस्ते
कुत्ते के अंदर स्पिरिट भरे हुए हैं। वो जाकर उस जगह में पहुंच जाते हैं। आजुकी ईको को बोलती है कि मैं अकेला ही ऊपर जाऊंगी। ईको बोलती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। आजुकी बोलती है कि तुम ये कार को छोड़कर ऊपर मत आना। ईको बोलती है कि वहाँ पर कुछ सिचुएशन खराब हो गया। तो ये सुनकर आजुकी बोलती कि मैं एक घंटे में वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी और तुम चले जाना गेंतोकी को लाने के लिए। और आजुकी ऊपर चली जाती है। आजुकी बोलती है कि मुझे यहाँ पर आते वक्त ही 4-5 स्पिरिट दिख गए और मुझे महसूस हो रहा है कि अंदर और भी स्पिरिट है। और वो धीरे धीरे कर ऊपर बढ़ने लगती है। वो ऊपर चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे जीजो स्टैचू रखा होता है। वहाँ पर आकर सोचती है कि मुनजिन जो कि गॉडेसेस है सब बच्चों की, ये बच्चों को पहले खाती थी लेकिन वो अभी बच्चों को बचाकर गॉडेसेस बन गई। तो अपनी स्पेशल आई को यूज करती है मरे हुए बच्चों की स्पिरिट को देखने के लिए। वहाँ पर गॉडेसेस को बैठे हुए देखती है और उनके पास बहुत सारे बच्चों की स्पिरिट होती है जो कि हंस रहे होते हैं। जो कि सोचती है कि मैं उनको फिर से नहीं मार सकती हूँ लेकिन गेंतोकी के लिए मुझे इस गड्डेस को मारना ही होगा। गॉडेसेस आजुकी के ऊपर अटैक कर देती है जिसे देखकर आजुकी सोचती है कि ये अम्ब्रेला गढ़ है ना। और वो देखती है कि इसके पीछे एक जीजू स्टैचू होता है और वो सोचती है कि ये तो कुछ समय पहले यहाँ पर नहीं था। गॉडेसेस वहाँ से उस तार को खींच लेती है। बच्चे जीजू स्टैचू को उठाकर आजुकी के ऊपर गिरा देते हैं। घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। ईको सोचती है कि अभी तक आजुकी क्यों नहीं आई, एक घंटे बीत गए हैं। वो गाड़ी निकाल कर वापस चली जाती है और हमें आजुकी को दिखाया जाता है जो कि उनसे बचकर एक पेड़ के नीचे बैठी होती है और वो बहुत हाँप रही होती है। सोचती है कि वो मेरे बहुत पास थे, वो मुझे मारने ही वाले थे। वहाँ पर मेरा हथियार लगा लिया इसलिए मैं बच गया। और उसने जो हमला किया था वो एक इल्यूजन था। अम्ब्रेला कॉर्ड की वजह से मुझे एक इल्यूजन दिखा दिया। और वो अपने बैग से पेपर डॉल निकालती है, उसमें उसका एक बाल तोड़कर अच्छे से बांध देती है। पीछे से कुछ छोटे बच्चे का स्पिरिट आने लगते हैं। बोलती है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टेशनरी शॉप की सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर गेंतोकी अच्छा अच्छा पेन खरीद रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये पेन आजुकी को जरूर पसंद आएगी और बोलता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। अभी ईको वहाँ पर भागकर आ जाती है। तो की बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो वांटेड प्लेस में गए थे ना। ईको बोलती है कि अभी आजुकी वहाँ पर अकेली है। गेंतोकी बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम दोनों तो हॉन्टेड प्लेस में एक्सप्लोर करने थे ना। ईको बोलती है कि वो अभी मेरे साथ नहीं आई है। गेंतोकी बोलता है कि उसकी फिकर मुझे नहीं है, खुद ही अपनी पैर में एक कुल्हाड़ी मारती है। लेकिन तुम तो वहाँ पर उसके साथ थी ना, तो हुआ क्या उसे। जे आजुकी ने बताया था कि वो जा रही है तुम्हारे कर्ज को हटाने के लिए। ये सुनकर गेंतोकी थोड़ा सहम जाता है, क्या आजुकी मेरे लिए वहाँ पर इतनी खतरनाक प्लेस में गई है। वो बोलती है कि तुम्हारा हाथ में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में उसे पता है और अभी उसको तुम्हारी मदद की जरूरत है। गेंतोकी सोचता है कि जैसे मेरी दोस्त के साथ हुआ था, मैंने उसे अकेले छोड़कर वहाँ से चला आया था। बोलता है कि चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं उसे बचाने के लिए। वो जो गॉडेस होती है वो न्यूबॉर्न बेबी को पकड़कर वहाँ पर चली जाती है अटैक करने के लिए उसके ऊपर। के सामने से आजुकी भाग रही होती है, उसकी पैर को एक छोटा बच्चा पकड़ लेता है और वो वहाँ पर गिर जाती है। गॉडेस आजुकी के ऊपर अटैक करने ही वाली थी। आजुकी एक पेपर डॉल निकाल कर बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ फाइट करने की कोशिश करी तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी जो कि इस डॉल के अंदर है, मेरे पास आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना तुम। और वो पेपर डॉल को फोड़ देती है और वहाँ पर बच्चे की रोने की आवाज आता है। गॉडेसेस पीछे हटने लगती है ये देखकर, और जो उसके बच्चे होते हैं वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। और आजुकी वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है जहाँ पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये सब आजुकी की सिर्फ इल्यूजन होता है। वहाँ पर और भी एक पेपर डॉल लगा फोड़ दिया होता है। बच्चों को दिखाई देता है कि आजुकी और एक पेड़ के पीछे खड़ी है, उसके ऊपर बच्चे हमला कर देते हैं। वहाँ पर भी एक पेपर डॉल लगा होता है। जो गॉडेसेस होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ के चारों तरफ पेपर डॉल लगे हैं।
अजुकी भागते हुए टेंपल की मूर्ति के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। झुककर देखती है कि बाहर के सभी बच्चे उस मंदिर के तरफ देख रहे होते हैं। वो बच्चे सब काम पर जाने लगते हैं। इसे देखकर वो बोलती है कि सब बच्चे गए कहाँ? हमें उस मंदिर के नीचे दिखाया जाता है जहाँ पर गेंतोगी चला आता है। गेंतोगी भागकर ऊपर जाने लगता है और बोलता है कि मुझे लगता है हाजुकी जहाँ पर भी होगी वो सेफ होगी। ये बोलते हुए वो और भी स्पीड से ऊपर जाने लगता है। वो हाजुकी के नाम चिल्लाते हुए उस मंदिर के पास पहुंच जाता है। यह आवाज़ हाजुकी को भी आती है। हाजुकी सोचती है कि गेंतोगी यहाँ पर क्यों आया। हाजुकी देखती है कि गेंतोगी के पीछे पूरी स्पिरिट की एक झुंड लगा होता है उसके पीछे, कि सोचती है कि क्या गेंतोगी मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया है। और हाजुकी थोड़ा बाहर निकल आती है। वो ऐसे चलकर आ रही होती है कि गेंतोगी सोचता है कि क्या उसके पैर में चोट लगी क्या। वो सोचता है कि मैं पूरी स्पिरिट के झुंड को लेकर उस टेंपल के पास जाकर फिर से रिटर्न होकर हाजुकी को लेकर वहां से भाग जाऊंगा। थोड़ा जोर लगाकर उनसे आगे निकल जाता है। हाजुकी एक हामर निकाल देती है और बोलती है कि मुझे इसका बहुत छोटा पीस चाहिए। हाजुकी होती है वो गॉडेस की एक छोटा सा पीस तोड़ देती है और वो उसे पकड़ लेती है। तभी पीछे से गेंतोगी भागते हुए उसके पास आ जाता है। पकड़कर वो वहां से भागने लगता है। पीछे तो पूरा गैंग ही लग गया होता है स्पिरिट का। इको तो कार के गेट खोलकर बैठी होती है। वो जैसे आएंगे ये तो भगा कर ले जाएगी। जैसे गेंतोगी कूदकर उसके अंदर आ जाते हैं और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो रास्ते में जाते हुए कार को ठोक देती है। कि जाते हुए वो गॉडेस घूर घूर कर देख रही होती है। मैं हामासा की क्लीनिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर 14,500 यौन देना है। ये सुनने के बाद गेंतोगी के तो फटकर 420 हो जाता है। सोचता है कि कैसे इको ने उसकी मदद की थी कार की रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि इसका जो बम्पर था वो टूट गया था जो कि 25,000 यौन पड़ा। और हाजुकी की मेडिकल फी की लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है, इसका पड़ा 14,500 यौन, उसका भी देना पड़ा। पैसा देकर वो निकल जाता है वहां से हाजुकी को पकड़ कर। गेंतोगी हाजुकी को बोलता है कि तुम ऐसा लापरवाह काम क्यों करती हो। हाजुकी बोलती है कि उन सारे स्पिरिट को संभाल लेती पर थोड़ा गड़बड़ हो गया वहां पर। गेंतोगी बोलता है कि मैंने अब जो बोला उसमें मैं पैसे को मेंशन नहीं किया हूँ। गेंतोगी हाजुकी को बोलता है कि कोने बोला कि हाथ में जो कर्ज है तुम उसके बारे में कुछ जानते हो और तुम मेरे लिए वहाँ पर गई थी। थैंक यू मेरे लिए इतना करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम सेफ हो। सुनने के बाद हाजुकी को उसकी पापा की याद आ जाता है। गेंतोगी बोलता है कि तुम अकेले उस खतरनाक जगह में क्यों गई थी। हाजुकी सोचती है कि मैं तुम्हारी दर्द देखकर सह नहीं पाई, और जब मेरी पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था पड़ी हुई थी लेकिन मेरा शरीर को मैं नहीं हिला पाई और मैं मेरी मम्मी को नहीं बचा पाई। मेरी फैमिली जितना प्रीशियस है मेरी दोस्त भी उतना ही प्रीशियस है, और मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर गया था तुम्हारे दर्द को रिलीव करने के लिए। और मैं तुमको एक दोस्त समझता हूँ और मैं दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। मैं सारा सच बता चुकी हूँ और मुझे तुम्हारे नाखून क्यों चाहिए मैं तुम्हें ये भी बोल दूंगी, तुम और एक बार मेरे रूम में आओ। गेंतोगी मेरे ऊपर भरोसा रखो। गेंतोगी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। और वो घर पर आ जाते हैं। के ऊपर जाते हुए हाजुकी पूछती है कि क्या तुम्हें पेपर डॉल के बारे में कुछ पता है। गेंतोगी बोलता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा पता है। वो हाजुकी के रूम के सामने आ जाते हैं। हाजुकी बोलती कि ये मेरा दिल का एक टुकड़ा है। गेंतोगी देखता है कि कुछ डॉल की बहुत बुरी हालत होती है, उनकी गले से रुई निकला होता है। बोलती कि ये सब डॉल ये रूम का ही एक पार्ट है, जे स्पिरिट लाने के लिए उनकी नाखून और ब्लड की जरूरत होती है इनको ये पेपर डॉल के अंदर घुसाने के लिए। एक पेपर डॉल के अंदर से नाखून निकाल कर दिखाती है।
देखो ये कैसे काम करता है। हम पर जितने भी डॉल है ये सब मुझे पावर देते हैं और मैं उन सबको पावर देती हूँ। में से जो बुरी स्पिरिट होती है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए ये सब हमारी फैमिली के ऊपर अटैक करते हैं। वो उन स्पिरिट के ऊपर अटैक नहीं करते है, वो सब ये डॉल को पावर देकर मारते हैं उनको। तो की बोलता की तो इस वजह से तुम मुझे मेरी नाखून मांग रहे थे, मुझे बचाना चाहती थी। की बोलते कि हाँ इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा नाखून मांग रही थी, तुम्हारे राइट हाथ में जो स्पिरिट है मैं उसको कंट्रोल कर मारना चाहती थी। वहाँ से ये उंगली लाई थी, देखो मेरी ये डॉल इस स्पिरिट को कैसे मारते हैं। वहाँ पर हाजुकी की आँख लाल हो जाती है और वहाँ पर जो डॉल होते है वो फिर से हिलने लगते है। इसी तरह वो फोन स्पिरिट को मारे थे हाथ पैर तोड़कर, वैसी तरह उसको भी मारने लगते हैं हाथ पैर तोड़कर। ये देखकर गेंतो की डर जाता है, तो ये शोर इतना दर्दनाक होता है कि ये तो सुन ही नहीं पाता है वो। और वो गेंतो की के नाखूनों वहां पर देती है उसे जो छोटा सा उंगली होती है, वो लिखती है कि मुझे मदद करो। देखकर हाजुकी बोलती है कि मेरी रूम को गंदा मत करो, क्योंकि ये जैसे ही बोलती है कि वो ब्लॉट से लिखा हुआ जो होता है वो मिट जाता है। ये देखकर गेंतो की शौक हो जाता है, देखकर गेंतो के बोलता है कि तो यहाँ पर क्या हो रहा है। हाजुकी बोलती कि तुम टेंशन मत लो, हम कल जाकर तुम्हारे ये कर्ज को हटा देंगे, मेरी पैर थोड़ा ठीक होने दो। गेंतो की बोलता है कि ये उसके लिए खतरा है, लेकिन वो खतरे में पड़ सकती है, लेकिन मैं उसे बचा दूंगा। हाजुकी बोलती कि तुम्हारा जो गोल है वो मेरी गोल से थोड़ा अलग है, लेकिन हम दोनों एक ही सोच रहे हैं, स्पिरिट की खात्मा। हाजुकी गेंतोगी को बोलती है कि इको ने मुझे बोला तुम्हारी हाथों के बारे में, तुम्हारी हाथों में कैसे व्हाइट व्हाइट बाल निकल आता है, लेकिन ये बाल नहीं है, तो बहुत सारे नशे हैं। मैंने वहाँ पर बोला था ये गलत है, मैंने बोला था ये तुम्हारा लेफ्ट हाथ में है, लेकिन गेंतोगी तुम्हारा वो राइट हैंड में है। तभी मेरी दीदी इको ने बोला कि तुमने तो नोटिस कर ही लिया होगा। हाँ तुम जो सोच रही हो यही सही है, ये मेरे हाथ में भी हुआ है, इसलिए उसके हाथ में ये देखकर मुझे तब हैरानी नहीं हुई। गेंतो की बोलता है कि समर की थर्ड ईयर जब मैं मिडिल स्कूल में था मुझे एक कर्ज लग गया, जब मुझसे इको मिलने आती थी तभी इको को भी यही कर्ज लग गया। हाजुकी बोलती है कि तुम्हारे हाथ में जिस स्पिरिट ने ये कर्ज दिया था हम उससे मारते तो तुम्हारे ये कर्ज भी खत्म हो जाएगा और तुम दोनों फ्री हो जाओगे इस कर्ज से। गेंतो की इको के बारे में सोचता है और बोलता है कि क्या मैं इको को बचा सकता हूँ। गेंतो की हाजुकी को बोलता है कि तुम मुझे कुछ समय दोगे इस बारे में सोचने के लिए। हाजुकी बोलती कि तुम टेंशन मत लो। हाजुकी बोलती है कि पुलिस वाले अगर मुझे पूछेंगे तुम कौन हो तो मैं बता दूंगी तुम मेरी ट्यूटर हो। ये सुनकर गेंतो की को कुछ समझ नहीं आता है। हाजुकी बोलती है कि डेफिनेटली तुम्हें कोई गिरना पर नहीं समझेंगे। गेंतो की बोलता है कि तुम जिस बारे में बात कर रहे हो मैं उस वजह से टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इको को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि इको की वजह से ही मैं इस सोसाइटी में वापस आ पाया और वो मुझे हेल्प करती रही इस दुनिया में कैसे लोगों से मिलते हैं। लेकिन हाजुकी ने मुझे क्या बोला क्या करने के लिए, ये इको की बातों से पूरी तरीके से अलग है। ये जो रास्ता है इसमें बहुत सुपरनेचुरल पावर है। तो की हाजुकी को बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर रहकर सुपरनेचुरल का पावर को दूर नहीं कर सकता हूँ, मुझे जाना ही होगा, मुझे इको को जो बचाना है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, तो फेयरवेल में जाने के लिए ड्रेस चूज कर रहे होते हैं। इको खुश होकर बहुत सारे ड्रेस चूज करती है, मैं क्या पहनूं इन दोनों में से। गेंतो की बोलता है कि तुम जो भी पहनो तुम क्यूटी लगोगे, लेकिन हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगा। इको बोलती कि तो मैंने कार को कचरे डालने में रखा है। ये सुनकर गेंतो की बोलता है कि तो हम कॉलेज में कार में जाने वाले हैं, तो हमारा कॉलेज कार को बैन नहीं किया है। इको बोलती कि तुम इतना बात मत करो, तुम सिर्फ ये बताओ तुम क्या पहनोगे और मैं क्या पहनूं फेयरवेल में। और ये तीनों निकल जाते हैं कार में। इको बोलती कि मेरा सपना था कार में कॉलेज जाने की। गेंतो की बोलता है तो ठीक है चलो ना। पीछे से हाजुकी बोलती है कि गेंतो की पीछे से शर्मा रहा है। ये सुनकर गेंतो की बोलता है कि क्या हाजुकी। हाजुकी बोलती कि हाँ। गेंतो की बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तुम्हारा स्कूल नहीं जाना है आज। हाजुकी बोलती कि मैंने स्प्रिंग ब्रेक लिया है इसलिए मैं तुम्हारी कॉलेज में जा रही हूँ तुम्हारा कैंपस देखने के लिए। इको खुश होकर बोलती कि वाह हमारे साथ हाजुकी भी जाने वाली है। गेंतो की बोलता है कि क्या करे चलो। वो निकल जाते हैं
कॉलेज में जाने के लिए और वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं। वहीं पर कुछ लड़के खड़े होते हैं, बोलते हैं कि क्या आप ईको और हाजुकी है। बंदा बोलता है कि आप हमारी साइंस लैब में ज्वाइन कर लो, और एक बंदा बोलता है कि आप हमारे बायोलॉजी क्लास में ज्वाइन कर लो। ऐसे ही सब उन्हें ऑप्शन देने लगते हैं। हाजुकी बोलते कि ये तो तुम्हारी तरह है गेंतोकी, तुम क्या इन्हें जानते हो। गेंतोकी बोलता है कि नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो, मैं उनके जैसा हूँ। एक लड़का चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि अब जापान का रिप्रेजेंटेटिव होकर इंटरनेशनल ओलंपिक में गए थे, क्या ये बात सही है। ये इंटरव्यू देते हुए तो 14 साल हो गया है, ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। सुनकर वहाँ पर और भी बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये सच है। हाजुकी बोलती है कि मेरी दीदी बहुत कमाल है। हाजुकी बोलती कि मैं जैसा सोचता हूँ वो वैसे नहीं सोचती है, जैसे सबके साथ बात करती है और सबके साथ मिल जाती है, ये स्किल उसका अच्छा है। और वो वहाँ पर फोटो खींचने लगते हैं ग्रुप में। गेंतोकी सोचता है कि जैसे मैं बाहर से आया हूँ घूमने के लिए इस कॉलेज को। हाजुकी बोलती है कि तुमने एक नंबर में आए कर भी कुछ नहीं कर पाए, मेरी दीदी लास्ट रह कर भी सब कर दिया। गेंतोकी बोलता है कि मेरा इतना अच्छा स्किल नहीं है जैसे तुम्हारी बहन का है, सिर्फ मैं उसके वजह से ही ज्यादा भीड़ भाड़ जगह में जा सकता हूँ। तो मेरा कर्ज था वो भी बाहर जाती थी और मुझे फोर्स करती थी बाहर जाने के लिए, मैं खुद को ही डांट रहा था, मेरी वजह से मेरी दोस्त को कर्ज लग गई। उसने मुझे स्ट्रेंथ दी और बोली कि तुम टेंशन मत लो, ये बहुत छोटा इंजरी है, जल्द चला जाएगा। और मैं खुद को ही ब्लेम देता गया, ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे चोट पहुंचाया, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला। हम दोनों की पर्सनालिटी पूरी तरीके से अलग है। वहीं पर एको गेंतोकी का नाम चिल्लाते हुए आ जाती है, मुझे पैम्पलेट मिल गया हमारी कोर्स का, चलो आज हम रजिस्टर करते हैं हमारा कोर्स के लिए। गेंतोकी बोलता है कि तुम कौन से कोर्स लेने वाली हो। इको बोलती है कि चलो हम पहले वहीं पर जाते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे। इको की जो दोस्त होते हैं वो उन्हें बाय बोलकर वहीं से चली जाती है। इको बोलती है कि हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ेंगे, तुम जो कोर्स लोगे मैं भी वही कोर्स ले लूंगी। ये सुनकर गेंतोकी का मुंह लाल हो जाता है। वहीं पर हाजुकी सोचती है कि क्या यही है कैंपस लाइफ। हाजुकी बोलती है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। गेंतोकी बोलता है कि नहीं, अभी टाइम टेबल सेट नहीं हुआ है, तुम्हारी कॉलेज में तुम जो कोर्स लेना चाहते हो तुम्हें उसे चूज करना पड़ता है। गेंतोकी इको को बोलता है कि क्या तुम्हें एक इंटरेस्टिंग क्लास मिला। गेंतोकी बोलता है कि क्या तुम ये कोर्स लेने वाली हो। इको बोलती है कि नहीं नहीं मैं ये कोर्स नहीं लेने वाली हूँ। गेंतोकी बोलता है कि मैं चाहता हूँ मैं उस कोर्स में जाऊँ। इको डरावनी आवाज में बोलती है कि तुम ये कोर्स लेने वाले हो। उसके हाथ में जो पैम्पलेट थी वो उसे दबाने लगती है। गेंतोकी सोचता है कि वो जैसे बोल रही है मुझे डर लगता है उसके आवाज से, कि नीको को डरावना स्टोरी अच्छा लगता है, इसके लिए ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये सारी बातें वो मेरे सामने नहीं करती है, वो अब तक वैसे ही मेरे साथ कर रही है, लेकिन मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। और वो खुद की ही कोर्स को देखकर डर जाता है और इको वहाँ पर रोने लगती है। तो कि बोलता है कि मैं दिमाग को समझा लेता हूँ, ये हमारा पहला क्लास ही लेंगे। सुनकर इको बोलती है कि तो ठीक है, मैं आज जितना खुश हूँ मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। गेंतोकी उसके पीछे जाते हुए बोलता है कि भगवान आज हमें बचा लेना जो भी होने वाला है। और वो थर्ड क्लास को अटेंड करने के लिए चले आते हैं कि टीचर बोलते हैं कि मैं आज तुम्हें एक स्टोरी दिखाने वाले हूँ जिसको देखकर तुम्हें डर लगेगा, तुम उसे देखना चाहते हो तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुनकर एको और हाजुकी बहुत खुश हो जाते हैं और गेंतोकी सोचता है कि ये मेरे साथ बुरा हुआ, तो टैब ने निकाल देते हैं और बोलते हैं कि ये एक ग्रेजुएट स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था जो कि आर्ट्स में था, लेकिन उसने सुसाइड कर दिया इस वीडियो की वजह से, खुद को जला लिया इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन ये एक र्यूमर था और वो उसे लगा देते हैं। उनके टीचर डरावने आवाज में बोलते हैं कि ये रियल मूवी है, इसको एंड तक देखना क्योंकि इसके अंदर एक बंदे खुद को ही जला लिया। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ पेट्रोल के कैन रखा जाता है, ये चारों तरफ चार स्पिरिट को दिखाया जाता है, वो कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं और कुछ समय के लिए फिर से देखने लगते हैं, ऐसे ही चलता रहता है।
स्पिरिट पेट्रोल को उसके चारों तरफ गिराने लगता है और वो वहीं पर आग लगाने लगता है और वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है और उसका चेहरा गेंतोगी के चेहरे की तरह दिख रहा है। देखकर गेंतोगी शॉक हो जाता है। सब बच्चे बात कर रहे होते हैं कि ये वीडियो तो चेंज होगी। वीडियो हाजुकी और इको भी देख रहे होते हैं। इको बोलती कि गेंतोगी और वो वहाँ पर आग लगा देता है। वो आग में भी एक क्रीपी सा स्माइल देता है और वो वीडियो खत्म हो जाता है। उनके जो टीचर थे उनके भी पसीने छूट जाते हैं ये वीडियो देखकर और वो बोलते हैं कि बच्चों मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला था ये वो वीडियो नहीं था, मैंने खुद चेक किया था। वो बोलते हैं कि यहाँ पर भूत है और पीस्ट बुलाने के लिए जाते हैं। अरे बच्चे इतनी स्कैरी मूवी को देखकर घर पर सब जाने लगते हैं। हमारे ये तीनों लौंडा लौंडी नहीं जाते हैं घर में और हमें हाजुकी को दिखाया जाता है जो कि एक डॉल पकड़ी होती है जिसका कि लेफ्ट हाथ से धुआं निकल रहा था। क्योंकि बोलती है कि मैंने तुम्हारा जो नाखून लिया था और तुम्हारे हाथ में जो कर्ज लगा था शायद ये वही स्पिरिट है। ये सुनकर गेंतोगी डर जाता है। यहाँ पर वो स्पिरिट नहीं होती तो इसका लेफ्ट हाथ नहीं जलता। जो वीडियो चेंज हो गया ये रियलिटी था। वो स्पिरिट की आवाज में बोल रहा था कि वो ऐसे ही आग जलाकर तुम्हें मारेगा। कैसेट के अंदर हाजुकी कुछ डाल देती है। को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हाजुकी एक डॉल पकड़ी होती है। कैसेट के अंदर से खून निकल कर उस डॉल के अंदर जाने लगता है और हाजुकी बोलती है कि मैंने उसे पकड़ लिया। दोनों चौक जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने इसमें स्पेल और नमक डालकर लाया हूँ इसलिए उस स्पिरिट का जो खून था वो इस डॉल के अंदर आ रहा है। मेरा जो डॉल का हाथ जल गया मतलब है उस स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है तो मुझे पता है मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। तुम दोनों का जो कर्ज है मैं उसको हटा सकती हूँ। पर जो रेडियो और नीचे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था वो उससे भी बांध कर लेने लगती है। हाजुकी उस डॉल को कुछ विजुअल दिखाती है। इको गेंतोगी को बोलती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गेंतोगी बोलता है कि ये तो बहुत आसानी से हो गया लेकिन मैं तो बहुत पैनिक कर रहा था। ये वो जैसे ही बोलता है उसके हाथ में आग लग जाता है। इको उसके हाथ में पानी डालने लगती है और आग बुझा देती है। देखकर हाजुकी वो बॉक्स को खोल देती है और वो देखती है कि वो डॉल के अंदर वो स्पिरिट आ गई होती है। वो बोलती है कि हम इसको इस बॉक्स में ट्रैप नहीं कर सकते हैं। उस स्पिरिट ने उसका ट्रैप चेंज कर उसके कपड़े में रख दिया और अभी उसके कपड़े में आग लगेगा। क्योंकि बोलते कि हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा। चलो जल्दी से हमें हमारी रूम तक पहुँचना होगा को तुम जल्दी से तुम्हारा कार निकालो। गेंतोगी बोलता है कि कार में जाएगी तो कार में आग लग जाएगी। क्योंकि बोलते कि हम यहाँ पर रहेंगे तो ये कॉलेज में ही आग लग सकता है। तुम उसे इतना बात मत करो चलो यहाँ से जल्दी से। को बोलती है कि हाँ मैं जल्दी से निकल रहा हूँ। गेंतोगी तुम जल्दी से निकलो। गेंतोगी बोलता है कि मैं फिर से मेरी दोस्त को सब में इन्वॉल्व करना नहीं चाहता हूँ। गेंतोगी के पास आकर इको बैठ जाती है। गेंतोगी बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जाओ जल्दी से यहाँ से। इको बोलती है कि मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या तुम्हें वो बात याद है? और तुमने भी मुझे कुछ बोला था कि तुम वहाँ पर मत जाओ। मैंने बोला था वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर एक स्पिरिट की ग्रेवियार्ड था और तुमने मुझे बचाया था। इको बोलती कि तुम हर रात हर दिन कोसते हो तुम खुद को क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये कर्ज लग गया। तुम यहीं पर रहोगे तो मैं भी वहीं पर ही रहूंगी। ये सुनकर गेंतोगी को याद आता है इको ही थी जो उसे बचाना चाहती थी और गेंतोगी वहीं पर रोने लगता है। गेंतोगी इको और हाजुकी को बोलता है कि क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे। वहीं पर हाजुकी आकर बोलते कि तुम मत डरो मैं यहीं पर हूँ गेंतोगी, मुझे खेलना है स्पिरिट के साथ। ये सुनकर इको बोलती कि मेरे पास एक प्लान है। वो गेंतोगी को एक सारे कपड़े को निकाल कर उसके ही हाथ में बांध लेते हैं। यही तुम्हारे हाथ को जलाने से प्रोटेक्ट कर सकता है, तुम तुम्हारे हाथ को बाहर निकालो। और हाजुकी बोलती कि तो चलो चलते हैं। गेंतोगी चिल्लाने लगता है तभी इको बोलती है कि तुम ऐसे ही कार के अंदर हाथ रखोगे तो कार में ही आग लग जाएगा, बाहर निकालो तुम्हारे हाथ को। तो इको होती है वो दरवाजे का कांच खोल देती है। हाजुकी बोलते कि क्या ये काम करेगा। हाजुकी बोलती कि हाँ ये जरूर काम करेगा। हाजुकी बोलती कि तुम 80 की स्पीड से चलाना, 80 से नीचे नहीं लाना है तुम्हारी कार को। वो वहाँ से बहुत स्पीड से निकल जाते हैं
और हाजुकी उस वीडियो को शुरू कर देती है। गेंतोगी की हाथ में आग लग जाता है, वो उस हाथ को बाहर निकाल देता है। कभी आग लग जाती है और कभी हवा की वजह से बुझ जाती है, आग को और भी स्पीड बढ़ा देती है, इस वजह से वो आग बुझ जाती है। हाजुकी बोलती है कि और स्पीड, वो भी स्पिरिट को वीडियो दिखा रही होती है और फिर से आग लग जाती है। को देखती है कि रेड सिग्नल आगे आ जाता है। स्पिरिट इतना पावर यूज करती है कि गेंतोगी की हाथ में पूरी तरीके से आग लगा देती है। से ग्रीन सिग्नल होता है, इको बहुत स्पीड से कार निकाल कर जाने लगती है। इतना स्पीड से जाती है कि वो आग बुझ जाती है। गेंतोगी सोचता है कि क्या मैं जिंदा हूँ, और वो सब प्रे करने लगते हैं भगवान ने हमें बचा लिया, कि उस डॉल को लाकर उसकी जितने भी स्पिरिट डॉल होते हैं उनके सामने डाल देती है और बोलती है कि मजे करो अब। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है और गेंतोगी काम पर जा रहे होते हैं। वो माफी मांगती है गेंतोगी को इतना बकवास क्लास में जाने के लिए। गेंतोगी बोलता है कि मेरे वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ आई है, तुम्हें एक बार हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा था मेरे लिए, थैंक यू मेरे लिए इतना सब करने के लिए। इको बोलते है कि तुम कभी नहीं बदलोगे गेंतोगी, तुम्हें पता है तुम्हारे इस कर्ज को निकालने के लिए हाजुकी कितना ट्राई करती थी। वो बोलती थी कि वो जल्दी से तुम्हारे इस हाथ के कर्ज को निकाल देगी, और बोलती है कि तुमने जो वीडियो देखा आज सुबह, उसे स्पिरिट ने फोर्स किया था सुसाइड करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, उस बंदे का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं था, इसलिए स्पिरिट ने उसे पोजेस कर लिया और उसे सुसाइड करने के लिए फोर्स कर दिया और उसका कर्ज को इसी स्टेट में छोड़ दिया। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हाजुकी ने सब संभाल दिया। तो कि सोचता है कि क्या वो सच में बुली हो रहा था। छोड़ो ये बातें, मैं सच में अपनी लाइफ में एक दोस्त बना पाऊंगा, मैं इको के साथ वही रिलेशन में रहूंगा जिससे कि अब ग्रेजुएशन तक। इको बोलती कि हम हमारी कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे। गेंतोगी सोचता है कि रिलेशनशिप जो भी हो, दोस्त तो अच्छा है मेरा, तो चलो हम ऐसे ही कॉलेज लाइफ को एंजॉय करेंगे। रात में इको घर पर वापस आ जाती है, वो एक रूम बनाया होता है अपनी बुक स्केल के पीछे, पर के साथ जितना भी स्पिरिट इंसिडेंट हुआ था सब फोटो वहीं पर था। मेरा क्यूरियोसिटी को नहीं रोक सकता हूँ, मुझे जानना है सुपरनेचुरल पावर क्या है, लेकिन जो गेंतोगी है वो लोगों के पास जाना नहीं चाहता है, लेकिन वो मेरे लिए सारे रिस्क लेकर भी सब कुछ करता है मुझे बचाने के लिए, और मुझे पता है यही प्यार है। और वो सोचती है कि कल फिर से सुबह होगा और गेंतोगी फिर से हमारे घर में आएगा। गेंतोगी को दिखाया जाता है जो कि हाजुकी के बातें सोच रहा होता है, ने जो स्पिरिट की बातें कह रही थी, और वो ऐसे ही सोचते हुए अपने घर में चला जाता है। और यहीं पर ही हमारा सीजन 1 का एपिसोड 4 खत्म होता है। वैसे कहने को है बात।